रोडवेज महासंघ वो कह रहा है, विरोध कर रहा है उसका किराया बढ़ाने का। देखिए, जिस प्रकार से कोरोना महामारी वैश्विक महामारी है और वो संक्रमण जो है लगातार आप देख रहे होंगे बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन के दौरान सरकारी परिवहन पर जो है वो बंद किया हुआ था, लेकिन अब चलाने का फैसला लिया और 50% के साथ फैसला लिया है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग के जो पालन है, जो WHO की जो गाइडलाइन है, केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है, उसी गाइडलाइन के अनुसार राज्य सरकार ने कल कैबिनेट में फैसला लिया कि परिवहन निगम की बसों को यात्रियों की सुविधा के लिए खोला जाएगा, क्योंकि बहुत सारे यात्री जो हैं वो प्राइवेट वाहनों से जा रहे हैं, जिसमें कि शिकायतें भी बहुत प्राइवेट वाहनों की प्राप्त हुई है सरकार को। तो इसे देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 50% पर परिवहन निगम की बसों का संचालन किया जाएगा।